दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। आज मैं आया हूँ, मेरे दोस्त का हाउस है, तो चलो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के हाउस कैसे। तो ये है, हमारे फ्रेंड ने घर लिया है। ह्यूस्टन के हाउस बहुत अच्छे होते हैं, और ये एरिया देखो कितनी खूबसूरत एरिया, ये बहुत ही खूबसूरत है ये। और आज का वेदर थोड़ा कोल्ड वेदर है, ठंडा सा वेदर है, अच्छा वेदर है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ एरिया है, और ये हाउस लिया है मेरे एक दोस्त ने। तो चलो आपको हाउस अंदर से दिखाते कैसा। और ये सब इधर उधर इथरा उथरा पड़ा हुआ, बिखरा बिखरा। मनीषा बता रही है क्या इधर, यहाँ पे ये एक, यहाँ पे लाइट्स नहीं है, लाइट शायद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऑफिस रूम जैसा है। काम चल रहा है अभी, कितने महीने से काम चल रहा है और कितने महीना चलेगा वो क्या पता। ये आपको पहले थोड़ा साइड से दिखा देता हूँ, ये भी यहाँ पे काम चल रहा है अभी, फिर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पूरा घर एक बार और दिखाऊंगा। ये डाइनिंग हॉल, ये किचन है, ये स्टोरेज है, और इतना बड़ा तो मेरे मुंबई में इतना बड़ा कबाट था मेरा, इतना तो इतना बड़ा फ्रिज है। और यहाँ पे क्या है, ये भी कुछ एक छोटा सा मुझे लगता है लॉन्ड्री रूम है ना। और बेडरूम के बाहर ये छोटा सा बैक यार्ड है। तो ये लाइट हमने स्विच ढूंढ ली और लाइट चालू कर दी, और यहाँ से ये बेडरूम है, और ये बेडरूम को लग के ये दरवाजा है। तो ये दरवाजे से आप बाहर का नज़ारा भी देख लो, ये है देखो, ये बैकयार्ड है इनका, इट्स ब्यूटीफुल। और छोटा सा बर्ड्स थे, मुझे देख के भाग गए, बोलता भाई डिस्टर्ब मत करो। ये जो झाड़ है ना, मैंने पहले एक वीडियो में दिखाया था, ये सूख है, जब ये बहुत ही स्नो आई थी, ये मुझे लगता है जामफल के झाड़ है ना, हाँ ये पेरू के झाड़ है। ये देखो पेरू भी सूखे हुए लटक रहे बेचारे भी, ये देख रहे हैं ना, ये पेरू भी सूख गए, ये झाड़ भी, ये कुछ ऑरेंज का ये झाड़ था, सारे झाड़ सूख गए। तो ऐसा बैकयार्ड है इनका, फिर एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। लिविंग रूम है ना, ये लिविंग रूम है, ये पीछे से इतना खूबसूरत लगता है, वेदर भी खूबसूरत और घर भी खूबसूरत, बोलो। और ये है, यहाँ पे बाहर पार्टी शार्टी होती है, जब पार्टी शार्टी, बारबेक्यू ग्रिल है, इलेक्ट्रिक है, स्टोव है, ये है मींस क्या, हाथ धोने का है, ये
ये वॉश बेसन है, ये पार्टी शार्टी जो तारक मेहता वाली है ना, सोढ़ी भाई की पार्टी, वो वाली पार्टी शार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। गुलाब का पौधा बच गया है, वरना ये भी सूख गए थे, लेकिन जितने भी सारे गुलाब के पौधे वो बच गए। बहुत ही खूबसूरत है, बड़े बड़े घर हैं, खूबसूरत नज़ारा है। ये बोलते ना ड्रीम हाउस होता है ना, ये ड्रीम हाउस है। हमारा भी एक ड्रीम है कि शायद इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम भी एक ऐसा घर लें। ये लिविंग रूम है, मतलब ये डाइनिंग टेबल और ये किचन है। किचन का एरिया भी बहुत बड़ा है, और काम खत्म होने के बाद ना मैं आपको फिर से एक बार इस घर की एक अच्छी सी वीडियो बना के दिखाऊंगा। देखो सारी तरफ उजाला ही उजाला है, बाहर का नज़ारा भी यहाँ पे बैठ के आप देख सकते हैं। ये बेडरूम है, ये क्लोजेट है, क्लोजेट का मतलब यहाँ पे कबोर्ड है, ये मतलब कपड़े। और छोटा सा बॉम्बे में इतना छोटा बेडरूम होता है, इतना बड़ा कबोर्ड है। एक कबोर्ड नहीं है भाई, यहाँ पे दो कबोर्ड है। ये देखो दूसरा है, ये है दूसरा कबोर्ड। ये देखो इसकी साइज, यूज जाते हैं फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के और ऊपर के। हाँ इसमें देखना भाई, खिले काम चल रहा है तो थोड़ा लगता है ये कारपेट वगैरह सब चेंज होगा बाद में। ये यहाँ पे है, वाव लाइट चालू कर, प्ले रूम है, ये प्ले रूम है, प्ले एरिया है ये। और यहाँ पे नीचे से देखो, हर घर से, हर घर की विंडो से आपको ये बाहर का खूबसूरत का नजारा देखते रहते हैं। यहाँ पे प्ले एरिया है, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ मूवी थिएटर। इसके अंदर, घर के अंदर देखो कितना बड़ा थिएटर है ये। पार्टी शार्टी करने वालों की ये जगह है, हमेशा तो पार्टी शुरू होगी। और ये देखो ये खूबसूरत सी जगह, याद है भाई टूट जाएगा, रहने दे बाबा। ये देखो ये थिएटर रूम है, स्क्रीन है, इससे भी बड़ी स्क्रीन होती है ये। ये फिर इस तरह से पूरा थिएटर रूम है, ये आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रीम हाउस। एक बेडरूम है, ये वाला बेडरूम है ना, ये बेडरूम है, अच्छा खासा वाला बड़ा सा बेडरूम है। इसके साथ में अटैच बाथरूम है। प्रिंस भाई ने गेम शुरू किए, चलो प्रिंस आता है खेलने के, सिर्फ पैसे रख दिया, आता है नहीं आता है ना, अच्छा खेलो, एक शॉट मार के दिखाओ। ये बेडरूम है और दो बड़े बड़े लिविंग रूम है यहाँ पे।
और ये भी बड़ा सा लिविंग रूम है। तो ये था हमारे दोस्त का हाउस। ये बाहर का नज़ारा है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ी प्यारी जगह है और बहुत ही सुकून वाली जगह है। आपको ना तो यहाँ कुछ भी आवाज़ सुनाई देगा, सिर्फ सुनाई देगा तो थोड़ी बहुत पक्षियों की आवाज़। जगह है ये, खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा खूबसूरत रोड है और रोड के आजू बाजू में ना सब जगह पे ऐसे अच्छे अच्छे झाड़, अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। क्योंकि एक चीज़ मुझे यहाँ की ये अच्छी लगती है कि यहाँ कभी भी ना आपको मिट्टी नहीं उड़ेगी। आप रोड पे चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो ना, आपको रोड पे मिट्टी नहीं उड़ती है। मिट्टी नहीं उड़ने की रीज़न यही है कि यहाँ पे ना कोई जगह खाली छोड़ते नहीं लोग। ये वाले जगह पे ना सारी जगह पे झाड़ उगा देते हैं और ग्रीनरी लगा देते हैं, तो मिट्टी आपको कहीं पे भी उड़ती नहीं है। ये देखो, यहाँ से मैं आपको रोड का नज़ारा दिखाता हूँ अंदर का, बहुत ही खूबसूरत एरिया ये। पार्क होगा सामने, वो पार्क है, रेसिडेंस पार्क, रेसिडेंस पार्क है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसके लिए यहाँ पे हर एक चौराहे पे ना एक मस्त अच्छा सा पार्क बना हुआ होता है। ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का वेदर भी देखो कितना खूबसूरत है और इतना अच्छा यहाँ पे माहौल है, देख के ना दिल खुश हो गया, दिल बांध बांध हो गया। तो यहाँ पे भी पार्क है, ये साइड पे भी, ये साइड पे दिखो गाइस, देखो ये पार्क है, मतलब वॉकिंग पार्क है, लोग यहाँ पे वॉक करते हैं। बहुत ही अच्छा, मैंने बोला ना कि यहाँ पे मिट्टी नहीं उड़ती, इसका रीज़न यही है कि आप आज रोड के आजू बाजू में देखो, आपको कहीं पे भी है ना लोग खाली जगह नहीं छोड़ते। जैसे हमारे इंडिया में हम तो देखते हैं कि रोड के बाजू में ना कुछ ना कुछ दुकानें लगी हुई होती है, या तो फुटपाथ बने होते हैं और फुटपाथ सीमेंट के बने होते हैं, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे ये देखो, आपको रोड के दोनों साइड पे ना बहुत ही इन लोग अच्छे वाले झाड़ लगा देते हैं और ग्रीनरी होती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको मिट्टी कभी भी देखने को नहीं मिलती, या तो मिट्टी कभी उड़ती नहीं है। वो रोज़ का झाड़ देखो आप कितना खूबसूरत है, हाँ ये वाला देखो, इसमें फूल कितने अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं। यहाँ हर चौराहे पे ना आपको रोज़ के झाड़ और ये सारे बाइक गाड़ी चला सकते हो। ये जो रेसिडेंट एरिया है ये पॉश एरिया है ऐसा, तो हाउस एरिया में अगर आप थोड़ी ज़्यादा स्पीड है तो ठीक है 2-3 माइल, लेकिन 35 से अगर आप 45 पे हो तो आपको यहाँ पे ना मामू लोग है ना टिकट दे देते हैं, और टिकट भी कुछ सस्ती नहीं होती है। मुझे लगता है तब तक मुझे तो अभी तक टिकट नहीं मिली है, लेकिन $180 की टिकट होती है यहाँ पे। और ये देखो हमारी, इसको देखते हैं ना तो हिरण नदी याद आती है। ये देखो है, ये यहाँ पे एक नदी है अच्छी सी, ये देखो, और इसके ऊपर एक बना हुआ ब्रिज। हमें जाना है, अच्छा हमें यहाँ पे ही से मेन, यहाँ पे देखो ये साइड मेरे, आप अगर लेफ्ट साइड में देखोगे प्रिंस दिखाओ, ये लेफ्ट साइड में ये बच्चों का पार्क है। अभी देखो कितने लोग यहाँ पे हैं पार्क के अंदर, पतंग उड़ा रहे प्रिंस, पतंग उड़ा रहे, पतंग उड़ा रहे, पतंग। ये देखो ये रोड का नज़ारा देखो, ये जो झाड़ है ना, झाड़ और ये जो गुलाब के फूल, हाँ सोने पे सुहागा। रोड तो इतना खूबसूरत, लेकिन आजू बाजू दोनों साइड में जो ग्रीन ट्रीज लगे हुए हैं ना, ये और भी खूबसूरती बढ़ाता है यहाँ की। यही झाड़ से भाई हमें ऑक्सीजन मिलता है, और कोविड ने सिखा दिया कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। तो रियली गाइस, जहाँ पे भी हो सके ना झाड़ उगाओ,
वृक्ष को आप बढ़ावा दो, झाड़ को काटे नहीं, झाड़ को बनाए। ये देखो ये अमेरिका है, लेकिन इनकी खूबसूरती देखो यार, कहीं पे भी झाड़ काटते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ हमेशा लोग ना झाड़ उगाते हैं, और आपको देखो कितनी ग्रीनरी है। हमारे वहाँ तो सीमेंटों के जंगल बना दिए लोगों ने, लेकिन यहाँ पे देखो खूबसूरत से ग्रीन जंगल है, ग्रीन। अब यहाँ से हम चढ़ेंगे फ्री वे, है ना प्रिंस? ये वाला फ्री वे है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस एरिया में 30, 20, 25, 35 ऐसी स्पीड लिमिट होती है, ये सर्विस रोड है, तो यहाँ पे स्पीड लिमिट हो गई है 50 की। और जैसे हम आगे जाके मेन रोड चढ़ेंगे तो स्पीड लिमिट है 65। 65 यानी कि आप 70-75 तक कार चला सकते हो। 75 माइल है, इसका मतलब इंडिया की स्पीड हो गई आई थिंक सो 120, आई थिंक सो, मैं एकदम श्योर नहीं हुई बात के, लेकिन 120 की स्पीड पे गाड़ी यहाँ पे ऊपर जब चढ़ेगी तब चलती है गाड़ी यहाँ पे। यहाँ पे ये रोड, इसको मतलब रोड को यहाँ से ना नंबर से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ रोड जो है ना हमारे यहाँ पे आप नंबर से जान सकते हो। जैसे